नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मनीषा भारानी बेकिंग स्कूल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट मूस केक की रेसिपी। काफ़ी मॉम्स होती है जिनको चॉकलेट केक्स बहुत पसंद आती है, और चॉकलेट आखिरकार किसे पसंद नहीं आती, और मूस केक तो बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों। तो आज मैं ये डिलिशियस चॉकलेट मूस केक की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो देखिए, उसे एंजॉय करिए, अपनी ब्यूटीफुल लवली मॉम के लिए ये रेसिपी बनाइए, उन्हें खुश करिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, आज मैं आपको बेकरी स्टाइल मूस कैसे तैयार होता है वो बताती हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये मूस के अंदर बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं होती है, ये कोको पाउडर से बनता है। और ये कैसे तैयार होता है वो ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आएगा सीखने में। तो चलिए हम ये मूस बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल, मैं जैसे आपको सिखाती हूँ वही स्टेप फॉलो कीजिएगा। मूस बनाने के लिए मैंने ये कैस्टर शुगर ली है। कैस्टर शुगर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये हमें एक टेबलस्पून लेनी है। अगर आपके पास कैस्टर शुगर ना हो तो आप आइसिंग शुगर का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने कैस्टर शुगर ली तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ। कोको पाउडर मैंने डच कोको लिया है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे मूस को कलर देगा और टेस्ट देगा। मामा, डच कोको पाउडर मतलब क्या? डच कोको पाउडर प्योर कोको पाउडर होता है। इसके अंदर ना ही कोई इमल्सीफायर ना ही आइसिंग शुगर होता है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बेकरी की रेसिपी में ज्यादातर यही यूज होता है। इससे रेसिपी का टेस्ट और रंग बहुत ही बढ़िया मिलता है। दोस्तों, आप इसका नाप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया मूस तैयार होगा। और इसके अंदर हमें डालना है 1 टेबलस्पून दूध। ये देखिए, सारी चीजें नाप से डालिएगा जिससे आपका मूस बहुत बढ़िया तैयार होगा। सारी सामग्री को इस प्रकार से अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, ये जो मूस सिखा रही हूँ ये आपको बेकरी में ही मिलेगा, पर अगर आपको इस प्रकार से ना तैयार करना हो तो हम जो मिश्रण लेने वाले हैं उसके अंदर आपको 1/2 कप चॉकलेट गनाश लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें इस पेस्ट का फॉर्म इसे देना है। ये रेडी हो चुका है। दोस्तों, जब भी आप इसमें से मूस बनाएं तब इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से पेस्ट तैयार होने के बाद ही इसमें क्रीम ऐड कीजिएगा। अगर आपने डायरेक्टली पाउडर फॉर्म होने के अंदर ही आपने सारी चीजें डाल दी तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होता है, अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ वो करना बहुत ही जरूरी है। अब मैं इसके अंदर हमने जो ये क्रीम आता है व्हिपिंग क्रीम वो मैं डाल देती हूँ। वो मैं 1.5 कप डालने वाली हूँ। ये हुआ 1 कप। ये देखिए दोस्तों, 1 कप मैंने डाला और ये 1/2 कप अभी मैं डाल रही हूँ। टोटल मैंने 1.5 कप लिया है, क्योंकि हम मूस केक बना रहे हैं और मूस का टेस्ट अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार से ये थोड़ा गाढ़ा वाला क्रीम लिया है और थोड़ा लिक्विड लिया है। इस प्रकार अगर आप क्रीम लेंगे तो ये क्रीम बहुत ही अच्छे से फूलेगा और आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब मैं इसे बीट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसे जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है बीटर का उस पर बीट करेंगे। 1 मिनट के लिए इसे इस प्रकार से बीट करना है। जब क्रीम फूल जाएगा उसके बाद हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने जितना क्रीम लिया था उससे डबल हो चुका है। अब मैं इसका स्पीड बढ़ा देती हूँ और इसे बीट करेंगे। देखिए दोस्तों, इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी ये पीक नहीं हुआ है। ये देखिए, ये सॉफ्ट है इसका पीक, तो इसे थोड़ा और बीट करेंगे। अब देखिए, इसमें एकदम बढ़िया टेस्ट लाने के लिए मैं इसके अंदर चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ। करीबन 1 टीस्पून जितना डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा।
अब मैं इसे बीट कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। इस प्रकार से थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे हम, ज्यादा इसे बीट नहीं करेंगे। अब मैं आपको इसमें से मूस केक सिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो चॉकलेट स्पॉन्ज केक हमने बनाया था, मैंने उसे ले लिया है। अब मैं उसे सेंटर में अलाइन कर दूंगी। ऐसे देखना है दोस्तों, दो फिंगर्स को ऐसे रख के बोर्ड पे देखना है कि अगर ये बीच में ही है या नहीं। ऐसे अगर ये सभी साइड से बीच में है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो आप इसे सेंटर में ठीक से अलाइन कर सकते हैं। इससे केक की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। अब पहले मैं सभी लेयर्स को अलग कर लूंगी। मैंने ये बोर्ड ले लिया है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसे बोर्ड पर लेना है। अब मैं दूसरे पीस को भी उसी हिसाब से ले लूंगी। ये देखिए, इससे आपका जो स्लाइस है वो टूटेगा नहीं और इंटैक्ट रहेगा। तीनों हिस्सों को हमने अलग कर लिया है। अब मैं बोर्ड को साफ कर लूंगी। दोस्तों ये टिप आप जरूर याद रखना कि आइसिंग करने के पहले आपको बोर्ड साफ करना है। ये देखिए दोस्तों, अब हम मॉइस्चराइजेशन करेंगे केक का। यहाँ पर मैंने सादा पानी का उपयोग किया है। अगर आप चाहे तो आप शुगर वाटर का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मैं हमेशा यही यूज करती हूँ क्योंकि इससे केक की स्वीटनेस एकदम बैलेंस्ड होती है। आपको देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार से मॉइस्चराइज करना है। ये बात का जरूर ध्यान रखिए कि इसका साइड्स और सेंटर और हर जगह से केक ठीक से मॉइस्चराइज हो। जब भी हम एगलेस केक बनाते हैं तभी ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा केक मॉइस्चराइज होके एकदम तैयार है। अगर हमें कभी भी चेक करना है कि हमारा केक मॉइस्चराइज होकर तैयार है या नहीं, तो हमें हमेशा इस तरीके से चेक करना है उंगली डालकर। अगर आपके फिंगर पर पानी आता है, इसका मतलब है कि केक एकदम अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज हो चुका है। अब मैं इस पर आइसिंग कर लूंगी। ये देखिए, अब मैंने जो मूज हमने तैयार किया था वो मैं इस पे डाल देती हूँ। ये देखिए हेजल, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हमें लेके इस प्रकार से धीरे धीरे करके इसे लेके जाना है और फिर वापस लेके आना है। अगर आपको लगे कि पैलेट नाइफ में क्रीम नहीं है तो वापस थोड़ा सा ले लीजिएगा और फिर इसके ऊपर कीजिएगा। ठीक है बेटा? ओके मम्मा। ये देखिए इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है? ओके। देखिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर चॉकलेट फ्लेक्स डालेंगे। इससे इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ये एकदम ही ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो आप फ्लेक्स के बदले चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और मूज लेकर इसे मिक्स कर लेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। इसी प्रकार से हमें रेडी करना है। देखिए दोस्तों, अब हम इस पे जो सेकंड लेयर है वो डाल देंगे। अब हम इसे मॉइस्चराइज कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट लेयर को किया था। ये देखिए दोस्तों, ये केक एकदम ठीक से मॉइस्चराइज हो चुका है। दो टेबलस्पून चॉकलेट फ्लेक्स, दोस्तों जब भी हम घर पे मूस केक बनाते हैं तो हम अच्छी क्वांटिटी में इसमें डालते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपने घर का मूस केक खाया तो आप कभी भी बाहर से नहीं लाएंगे। ये इतना डिलिशियस घर पे तैयार होता है। वाह बेटा, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो आप। ये देखिए दोस्तों, मेरी गुड़िया तो बहुत ही अच्छे से कर रही है। अब मैं केक के ऊपर जो सबसे लास्ट लेयर है वो लगा दूंगी। अब हम इसे मॉइस्चराइज कर लेंगे।
अब हम साइड्स को कवर कर लेंगे। जैसे मम्मा ने सिखाया था मैं बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी गुड बेटा, आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। देखो फ्रेंड्स, मेरी गुड़िया ने बहुत अच्छे से आइसिंग किया है। अब बेटा इसको फिनिशिंग देंगे। एक्सलेंट 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 बच्चा, एक्सलेंट, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो पॉकेट आया है वहां पे हम वापस थोड़ा सा क्रीम डाल के इसे फिनिशिंग देंगे। आप करिए बेटा, देखिए वापस हेजल थोड़ा सा क्रीम डाल रही है और अब उसे फिनिशिंग देगी। एक्सलेंट बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, वेरी नाइस, एक्सलेंट। ये देखिए दोस्तों, मेरी गुड़िया ने बहुत बढ़िया किया है। ये देखिए, ये जो जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है ना, इस प्रकार से हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए, एक बाजू इस प्रकार से नाइफ रखना है और इसे क्रीम को, एक्स्ट्रा क्रीम है जो भी, हम निकाल लेंगे। समझ में आया बेटा? ओके। आप अभी थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ा सा क्रीम है इधर साइड में। देखिए दोस्तों, मेरी गुड़िया तो बहुत अच्छे से सीख रही है, आप भी सीख रहे हो ना? सुपर, वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा, एक्सलेंट। निकाल लीजिए अभी, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आई है मेरी गुड़िया की। दोस्तों आपको मैं बताऊं, हेजल को बेकिंग का और केक का बहुत शौक है और ये देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से मेरी गुड़िया बना रही है। देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, मेरी गुड़िया ने कितना प्यारा केक बनाया है। बेटा अभी मम्मा ने आपको सिखाया ना, ये नाइफ से निकालिए, आप नाइफ ले लीजिए। क्या बात है, देखिए दोस्तों, देखो बेटा अभी मैं आपको सिखाती हूँ। इस प्रकार से जब छोटा सा ये बच जाए ना, तो इसको हम अंदर ले लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हम इसे अंदर ले लेंगे, ये क्रीम को। ये देखिए दोस्तों, मेरी गुड़िया ने बहुत बढ़िया केक बनाया है। अब आप क्या कर रहे हो बेटा? मैं इसकी साइड्स क्लीन कर रही हूँ ताकि जब ये केक एकदम ठीक से हम सर्व करें तब बहुत अच्छा इसका फिनिशिंग आए। ये देखिए दोस्तों, मेरी गुड़िया ने हर स्टेप मेरा बहुत ही ध्यान से फॉलो किया है। अब हम ये केक को फ्रीजर के अंदर आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए रखेंगे। दोस्तों मैंने ये थोड़ी सी डार्क चॉकलेट ले ली है, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। हम डेकोरेशन इसमें से बनाएंगे। मैं इसे मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए हाई पावर मोड पर रख दूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारी चॉकलेट एकदम अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। दोस्तों मेरा जो चॉकलेट था वो 30 सेकंड्स में मेल्ट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसे और 30 सेकंड्स के लिए रख दिया था। कभी भी चॉकलेट जो है उसे एक साथ एक मिनट के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है, वो जल सकती है, इसलिए हमेशा इसी तरीके से रखना चाहिए। दोस्तों हमारी चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट होकर तैयार है। अब मैं आपको इसमें से गार्निशिंग सिखा दूंगी। दोस्तों मैं माफी चाहती हूँ, मैंने इसके ऊपर चॉकलेट पोर कर दी थी और उसे लेवल कर लिया था, वो हमारा क्लिपिंग रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं आपको वापस इसे पोर करके बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं इस प्रकार से इस पर स्प्रेड कर दूंगी। आपको जिस प्रकार से पतले जाड़े गार्निशिंग चाहिए उस प्रकार से आप इसे तैयार कीजिएगा। ये देखिए, मैं इसे ट्रे में रख दूंगी और जहां पे एसी चल रहा होगा वहां पे हम इसे रख देंगे, जिससे चॉकलेट बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये सेट हो चुका है। ये देखिए हाथों में बिल्कुल भी नहीं स्टिक हो रहे, यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन बाकी सब चीज अच्छे से सेट हो चुकी है। तो मैं आपको इसमें से कटआउट्स निकाल के दिखाती हूँ। मैंने ये कटर ले लिया, आपके पास जो भी हो, बॉटल का ढक्कन हो आप ले सकते हैं। क्या करते हैं, हेजल आप देखिए, इसको हम इस प्रकार से दबा देंगे और इस प्रकार से हम इसे राउंड शेप दे देंगे। आपको जो भी शेप देना है आप वो दे सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये थोड़ा सा गीला है ना, तो इसमें निकलने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। ये देखिए, इस प्रकार से हम इसे कट कर लेंगे।
थोड़े आप ये बड़े वाले भी निकाल दीजिए। ओके मैं भी इसकी थोड़ी मदद कर देती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। अभी भी तो एक काम करिए, इसको आप ये उठाइए, मैं इसमें ट्रे में डाल देती हूँ। ओके हाँ ये देखिए, अब मैं इसे फ्रीज के अंदर सेट कर लूंगी और फिर इसको हम डीमोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी चॉकलेट फ्रिज में एकदम अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है, अब हम इसे अनमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, अगर ये सेट हो जाता है ना तो बहुत ही आसानी से ये निकल आते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे सारे डेकोरेशंस एकदम अच्छी तरीके से तैयार है। दोस्तों अब ये जो एक्स्ट्रा चॉकलेट के कटआउट्स बचे हैं, हम उसको मेल्ट करके वापस रीयूज कर सकते हैं और डेकोरेशंस इसमें से बना सकते हैं, तो हम वो कर लेंगे। केक बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है और देखिए मेरी गुड़िया ने कितना सुंदर फिनिशिंग दिया है। अब मैं इसके ऊपर इसको डिजाइन सिखाती हूँ। हमने स्टार नोजल ले लिया है और उसके अंदर जो मूस हमने तैयार किया था वो भर दिया है। अब हम इसके ऊपर ये लाइंस बना लेंगे। समझ में आया बेटा? ओके आपको आगे से शुरू करके इस प्रकार से इसका लाइंस रेडी करना है। ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ और बहुत ही इजी है, आप बनाइए बेटा। वेरी गुड, क्या बात है, वाओ बहुत ही बढ़िया हेजल, बहुत सुंदर दिख रहा है बेटा। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। ये देखिए दोस्तों, हम इसे थोड़ा सा फिनिशिंग दे देंगे, ये देखिए, जिससे जो भी बाहर लाइंस आई होगी वो सेटल हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये छन्नी के अंदर थोड़ा कोको पाउडर डाल देंगे। अब इसे आप पूरे केक के ऊपर डालिए बेटा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, इस प्रकार से हमें करना है। ये देखिए दोस्तों, अभी ये जो एक्स्ट्रा कोको पाउडर है उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, मुझे एक्चुअली गोल्डन कलर बहुत पसंद है, तो मैंने ये जो पाउडर कलर आता है मैंने वो ले लिया है। ये गोल्डन डस्ट है, ये आपको इजीली किसी भी बेकरी की शॉप में मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये जो कटआउट्स है वो गोल्डन कलर के हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर डस्ट कर दूंगी। दोस्तों ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ही आप इसे लगाइए, क्योंकि मुझे गोल्डन कलर बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इस पे लगा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, पूरा ऊपर अच्छे से दे दिया है। अभी हम क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पे मैं कपड़ा रख देती हूँ इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। इससे हम यहाँ पे साइड में हैं वहाँ पे भी हम डस्ट करेंगे, जिससे ये और भी खूबसूरत दिखेगा। इस प्रकार से हम साइड में भी इसे डस्ट करेंगे, थोड़ा सा उठा के हम इस प्रकार से इसे डस्ट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से लगा दिया है। अब मैं ये चॉकलेट के तैयार किए हुए डेकोरेशंस इस पे लगा दूंगी। ये देखिए दोस्तों, मेरी गुड़िया ने बहुत अच्छा केक बनाया है। अब बेटा हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टार बनाएंगे नीचे, ऐसे देखिए एक ड्रॉप करके इसको ऐसे अब छोटा छोटा स्टार्स बनाएंगे। ये देखिए बेटा। ओके ठीक है, आप करोगे अभी? ओके करिए। गुड़िया बहुत ही बढ़िया केक आपने बनाया है। थैंक यू सो मच। ये देखिए दोस्तों, मेरी गुड़िया ने बहुत प्यारा केक बनाया है, देखिए बहुत अच्छे से सीख रही है ये। अब हम इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, हम इसे इधर एक स्टार बना लेते हैं, छोटा सा ये छोटा सा एक रोसेट बना लेते हैं। थोड़ा सा ये कोको पाउडर है इसकी वजह से ये स्टिक नहीं हो रहा है।
ये देखिए दोस्तों, मैंने ये वेफर बिस्किट के रोल्स लिए हैं, इसे भी मैं इस पर सजा दूंगी। देखिए दोस्तों, मैंने ये गोल्डन शुगर ली है, अब मैं थोड़ी सी केक को इसे भी सजा लूंगी। वाओ हेजल, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है बेटा। सच में मुझे ये बहुत देख के अच्छा लग रहा है, मुझे तो सच कहूँ तो इसे काटने का मन भी नहीं कर रहा। बेटा ये शुगर का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ना दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हमारा चॉकलेट मूस केक बनकर तैयार है।